आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। मंडलायुक्त ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरदार नगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरी चौरा में कोविड वैक्सीनेशन के साथ ग्राम गौनर में निगरानी समिति के कार्यों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना की थर्ड वेव के तैयारियों संबंधित बैठक, कहा कोविड के मरीजों के लिए प्रत्येक 5 किलोमीटर पर होगी इलाज की सुविधा, कोविड से निपटने की तैयारी कर ली गई है पूरी। सदर सांसद रवि किशन ने विपक्षी पार्टियों से हाथ जोड़कर की अपील, कहा अनावश्यक आरोप और बयानबाजी को रोककर कोविड मरीजों की सेवा में करें सहयोग। कोरोना मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है आयुष मंत्रालय की दवाएं, डीएम ने कहा आयुर्वेद दवाओं का लोग करें सेवन। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ ने कहा जनपद में 56 केंद्रों पर किया जा रहा है कोरोना का निशुल्क जांच, घट रही है पॉजिटिविटी रेट। निर्धारित दर से अधिक दर 36,000 में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, एक भरा हुआ जंबो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, 3 मोबाइल और 1 कार बरामद। 20 मई से सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो निःशुल्क राशन, जिला पूर्ति अधिकारी ने दी जानकारी। आंशिक कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए एसपीसीटी के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, अनावश्यक बाहर निकलने वाले वाहनों का किया चालान। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग, महानगर में घटा तो आसपास के जिलों में बढ़ गई मांग, जरूरतमंदों को उचित मूल्य पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण मुहैया करा रहा है इंजेक्शन। वन तस्करों से निपटने के लिए शासन ने वन विभाग को उपलब्ध कराया एक मोटर बोट, डीएफओ ने कहा वन रक्षक मोटर बोट से करेंगे वनों की निगरानी, वन तस्करी पर लगेगी रोक। गोरखपुर में बुधवार को मिले 358 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 55,893, अब तक 587 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 5,739 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर निगम में पहली बार शामिल 32 गांवों में चलाए गए सैनिटाइजेशन अभियान, नगर आयुक्त ने कहा सैनिटाइजेशन से कोरोना संक्रमण पर लगेगा लगाम। बुधवार को जिला अस्पताल सहित 62 बूथों पर किया गया 15,114 लोगों का वैक्सीनेशन, 45 साल से ऊपर के 9,031 तथा 18 साल से ऊपर के 6,083 लोगों ने कराया टीकाकरण, सीएमओ ने कहा कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन जिससे जिले को बनाया जा सके कोरोना मुक्त। शासन के निर्देश पर लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए बुधवार को पुलिस ने कई चौराहों पर चलाया चेकिंग अभियान, 20 ऑटो को किया सीज। और ताऊ ते तूफान का जनपद में भी दिखा असर, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 मई तक तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश।